तो ये अपडेट नहीं है। आप पुलिस गई हुई थी, अभी भी दावा कर रहे हैं, आपको लगता है कि पुलिस वहाँ होगी? क्योंकि रिपोर्ट तो पेश की जाती है वहाँ कोई साथ नहीं है, आप भी साथ नहीं है, तो आपको वहाँ से इत्तला मिल रही है कि लाहौर में या केपी में किसी जगह पुलिस मौजूद है या सिर्फ पुलिस की छापेमारी? इसलिए कि परसों ये वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी वहाँ पे ये मौजूद थे, ठीक है, कल भी थे, कल भी मेरी इनसे बात हुई थी, ठीक है। केपी के अंदर अब मैं उस चीज़ को, तो ये कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे, मतलब अब उस बात की कोई बदात या निशान नहीं मेरे पास नहीं है, कश्मीर गए थे ये लोग, मेरे पास नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि जज साहब ने इसीलिए इनसे जो रिपोर्ट मंगवाई है वो इसीलिए मंगवाई है कि जो आपने किया है वो बताएं। किसी और सर ऐसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई आपके लिए अच्छी खबर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक रहा है किसी ने किया? किसी ने भी रहा नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक बच्ची, पूरे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर एजेंसियाँ हैं वो भी तलाश नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सर सोशल मीडिया पे ये बात कुछ गर्दिश कर रहे कि मुख्तलिफ ज़राए से रابطہ किया जा रहा है कि कोर्ट से बाहर हम सर निकल लेते हैं? देखिए, उन्होंने मेरे जो लाहौर वाले लायर थे उनसे रابطہ किया था, लेकिन वो ये थ्रेटनिंग वो ये था, वो कहते थे कि आप पहले यहाँ से केस ख़त्म करें उसके बाद हम आपको, तो ये तो एक मजाक वाली बात होगी, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब अगर सुलह भी करनी है तो धमकी दे के अपने दबाव में ला के सुलह करनी है? जी बिल्कुल। तो ये बाप के साथ रवैया उनका? जी। तो कहते हैं हम शरीफ भी हैं, अब आप क्रिमिनल भी नहीं। अब आपको देख लें कैसे शरीफ है। वैसे अगर आप सही तरीके से आपके पास आए, मौजूद तरीके से, तो कोई सुलह का चांस? सर देखिए, मौजूद तरीके से कोर्ट में आए और फेस करें, जैसे कल एक केस हुआ था, वो केस अगर ये जिस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो आए कोर्ट में फेस करें, कोर्ट ने जो डिसीजन देना तो कोर्ट ने देना, मैंने तो नहीं देना ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। फेडरेशन के दारों को सामने देखिए, मुल्क से बाहर ना जा पाए बच्ची। जी बिल्कुल, मैंने जज साहब ने ये फील किया और आज उन्होंने बोला भी कि ये ट्रैफिकिंग की केस है और उन्हें सच्चा सामने देख के बात करेंगे भाई, जो है वो एफ आई ए को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, सेकेंडली नादरा इन्वॉल्व किया है, इसके अंदर जो मछली है डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह बना लेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी ताने बाने जो हैं वो सारे इंप्लीमेंट करते हैं और आज जज साहब ने खुद ये बोला, तो फिर मैंने जज साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि बच्ची का जो ये नादरा और ये पासपोर्ट है ये बाहर करवाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बच्ची के पास है कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक पासपोर्ट वगैरह बना के बच्ची को पाएगा। बिल्कुल, मैं इस तरह से एक और भी बात आ सकती है क्योंकि खदशा बिल्कुल है, हमने पहले दिन से ये कहा था कि इतने ये असर उस वाले लोग हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं, जिस तरह से मैंने अगले जो लास्ट जो हियरिंग थी उसमें भी मैंने ये जज साहबान के सामने यही बात की थी कि सर ये बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी पूरी गैंग है, कि ऐसा ना हो कि आज ये लाहौर में, कल इब्दाबाद में, फिर उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जा करके पहुँच जाएंगे, आने वाले डेट पर ये पता चलेगा कि बच्ची अफगानिस्तान या किसी और कंट्रीज में चली जाए। तो हमें पहले दिन से ये खदशा था, हमने एफ आई ए को पहले भी जज साहब ने डायरेक्शन दी थी, पर आज उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनके जो पासपोर्ट्स हैं, नादरा के शनाख्ती कार्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप उनकी ब्लॉक करें, और उनको ये भी डायरेक्शन दी कि आप उनके मेयर करें कि ये बच्ची यहाँ पाकिस्तान से बाहर न जा सके। आदमी साहब एक चीज बताइएगा, आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया, पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया, क्या पुलिस की कार्यकर्ता है? एक चीज़ और बताइएगा कि आपसे किसी तरीके से रब्ता किया जा रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, कोई दबाव डाला जा रहा हूँ? देखिए, मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मेरे साथ पहले रब्ता हुआ था, हमारा यही है कि जिस तरीके से आज मैंने कोर्ट लेकर आए, तो पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी को उम्मीद है कि पुलिस फ्राइडे तक बच्चों को